नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल अंसारी लॉस कवर में। गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं आप लोग का जो बहुत सारा कमेंट आता है उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं कि कौन किसको आउट करेगा, कैसे पता करें कि कौन बॉलर किस बैट्समैन को आउट करेगा और बॉलर इंफॉर्मेशन कैसे पता करें वो किस टाइप का बॉलर है। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर ये पूरा वीडियो होने वाला है। अगर आप ये चीज जानना चाहते हैं तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और मेरा फ्री में टीम पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और अंसारी लॉस कवर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक मैच की वीडियो की प्रेडिक्शन वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा और पूरी एनालिसिस के साथ मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग का सवाल क्या होता है, कौन किसको आउट करेगा, कैसे पता करें कौन बॉलर किस बैट्समैन को आउट करेगा और बॉलर इंफॉर्मेशन, ये सारा डाउट आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गाइस कि राइट हैंडर बैट्समैन को कौन आउट करता है, आरएचबी बैट्समैन यानी राइट हैंडर बैट्समैन को कौन बॉलर आउट करता है। अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जब भी आप देखना बैटिंग स्ट्राइक पे राइट हैंडर बैट्समैन होते हैं, दो दो राइट हैंडर बैट्समैन होते हैं, अपोजिट टीम का कैप्टन क्या करता है, लेग ब्रेक स्पिनर यानी एलबीएस का मतलब होता है लेग ब्रेक स्पिनर बॉलर को राइट हैंडर बैट्समैन के सामने बॉलिंग करवाता है। क्यों करवाता है, क्योंकि क्रिकेट हिस्ट्री में पूरा सबको पता है कि राइट हैंडर बैट्समैन को लेग ब्रेक स्पिनर बॉलर परेशान करते हैं और आउट करते हैं। यह 80% देखा गया है कि राइट हैंडर बैट्समैन को लेग ब्रेक स्पिनर बॉलर परेशान करते हैं और आउट करते हैं। ठीक है, और बाकी और भी बॉलर जैसे फास्ट बॉलर है, आरएएफ बॉलर हो गया फास्ट, एलएएफ बॉलर हो गया फास्ट, ये फास्ट बॉलर कॉम्बो बॉलर होते हैं, ये किसी को भी आउट कर सकते हैं। लेकिन राइट हैंडर बैट्समैन सबसे ज्यादा परेशान होते हैं लेग ब्रेक स्पिनर यानी एलबीएस बॉलर से, या फिर लेफ्ट आर्म चाइनामैन एलएसी बॉलर से, यानी स्पिनर बॉलर से परेशान होते हैं राइट हैंडर बैट्समैन और इनका आउट होने का चांस ज्यादा होता है। ये फिक्स नहीं है कि आउट कर ही देगा, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी लिया जाता है कि राइट हैंडर बैट्समैन को लेग ब्रेक स्पिनर बॉलर आउट करते हैं। आप मैच देखिएगा, मुझे नहीं, आप मैच देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जब दो दो राइटी बैट्समैन बैटिंग स्ट्राइक पे होते हैं, अपोजिट टीम का कैप्टन फटाक से लेग ब्रेक स्पिनर बॉलर को लगाएगा। क्यों लगाता है, यही रीजन है, क्योंकि राइट हैंडर बैट्समैन को लेग ब्रेक स्पिनर बॉलर परेशान करते हैं और ज्यादा बार आउट कर चुके हैं क्रिकेट हिस्ट्री में, इसलिए लेग ब्रेक स्पिनर बॉलर को लगाया जाता है राइट हैंडर बैट्समैन के सामने। और इसी फॉर्मूले को यूज करके आप कभी भी देखिएगा कि कोई भी ओपनिंग जोड़ी उतरता है तो कैसे उतरता है, राइट हैंडर बैट्समैन और लेफ्ट हैंडर बैट्समैन का कॉम्बिनेशन करके। लेफ्टी लेफ्टी का क्यों नहीं होता है, राइटी राइटी का क्यों नहीं होता है, बस यही वजह है, इसलिए क्योंकि जानता है जो भी टीम का बैटिंग आता है कि अगर हम दोनों राइट हैंडर लगाते हैं अपोजिट टीम का कैप्टन फटाक से लेग ब्रेक स्पिनर बॉलर लगा देगा, इसलिए वो कॉम्बिनेशन लगाता है राइटी और लेफ्टी। अगर आप राइटी बैटिंग स्ट्राइक पे होता है तो बैटिंग कर लेता है, अगर राइटी को प्रॉब्लम करने वाला बॉलर है तो फिर लेफ्टी आके बैटिंग कर लेता है स्ट्राइक चेंज करके। तो ये होता है गाइस आउट होने का चांस, इसीलिए दोनों को एक साथ नहीं उतारा जाता है, राइटी और लेफ्टी का कॉम्बिनेशन बना के इसीलिए उतारा जाता है ताकि अपोजिट टीम का कैप्टन कोई फिक्स बॉलर ना लगा सके जो दोनों बैट्समैन को परेशान करे, एक को परेशान करेगा तो हम स्ट्राइक चेंज करके दूसरे बैट्समैन को खिला लेंगे, इसलिए लेग ब्रेक स्पिनर बॉलर को लगाया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि कोई भी टीम का राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन क्यों बनता है, यही वजह है, क्योंकि अगर राइटी राइटी होगा तो लेग ब्रेक स्पिनर बॉलर आएगा उनको परेशान करेगा और विकेट लेके जाएगा, इसलिए राइटी और लेफ्टी का कॉम्बिनेशन बना के उतारा जाता है। पहला चीज क्लियर हो गया, अब दोबारा यह मत पूछना कि सर राइट हैंडर बैट्समैन को कौन आउट करता है, राइट हैंडर बैट्समैन को लेग ब्रेक स्पिनर बॉलर 80% आउट करता है, 100% नहीं, बाकी 20% में ये फास्ट बॉलर आते हैं और फास्ट बॉलर कॉम्बो है भाई, किसी को उड़ा सकते हैं, इनका कोई ये नहीं है, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि राइट हैंडर बैट्समैन को लेग ब्रेक स्पिनर बॉलर आउट करते हैं। अब दूसरा एक आता है लेफ्टी बैट्समैन यानी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, तो उसको मैं बता देता हूं। देखो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को कौन आउट करता है, ये सवाल चलता है आपका दिमाग में, आपका क्वेश्चन रहता है, तो लेफ्टी यानी एलएचबी बैट्समैन को जो आउट करता है वो राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलर आउट करता है, आरओबी बॉलर आउट करता है। अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपको ये पता होगा, आप क्रिकेट देखिएगा जब लेफ्टी बैट्समैन बैटिंग स्ट्राइक पे होगा, दो दो लेफ्टी होंगे तो अपोजिट टीम का कैप्टन जो बॉलिंग करता है वो सबसे पहले किसको ट्राई करता है, राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलर को ट्राई करता है, क्योंकि क्रिकेट हिस्ट्री में देखा गया है कि लेफ्ट हैंडर बॉलर जो है
लेफ्ट हैंडर बैट्समैन जो है राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलर से परेशान होते हैं और अपना विकेट फेंक के जाते हैं। तो इसीलिए कोई भी कैप्टन जब भी लेफ्टी बैट्समैन यानी LHB लेफ्ट हैंडर बैट्समैन बैटिंग स्ट्राइक पे होता है, अपोजिट टीम का कैप्टन राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलर को उसके सामने लगाता है। क्यों लगाता है? अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो मैच देखिएगा, जब तक मैच देखेंगे आप लाइव तो आपको सारा इंफॉर्मेशन पता होगा कि वाकई में ये होता है कि नहीं होता है। हम लोग देखते हैं इसलिए हम लोग को पता है, आप भी देखिएगा आपको भी पता हो जाएगा। आप देखना जब भी लेफ्टी यानी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन बैटिंग स्ट्राइक पे बैटिंग करने के लिए होगा, अपोजिट टीम का कैप्टन राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलर को लगाएगा। अगर ऑफ ब्रेक बॉलर का बॉलिंग खत्म हो जाता है तो भाई और कोई ऑप्शन नहीं है, फास्ट बॉलर को लगाना पड़ता है या फिर स्पिनर बॉलर को लगाना पड़ता है। लेकिन फास्ट बॉलर जो होते हैं ना वो कॉम्बो होते हैं, वो राइटी हो या लेफ्टी हो कुछ भी नहीं देखते, वो किसी को भी आउट कर देते हैं। लेकिन 80% लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को 80% राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलर आउट करते हैं। आप कहीं भी सर्च करके देख लीजिएगा कि लेफ्टी बैट्समैन को राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलर से प्रॉब्लम होता है। तो इसी लिए आप मैं बता रहा हूं कि अगर आप ग्रैंडली का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो अगर लेफ्टी बैट्समैन को लेते हैं तो राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलर को ड्रॉप करने का रिस्क लीजिएगा, राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलर को लेते हैं तो लेफ्टी बैट्समैन को ड्रॉप करने का रिस्क लीजिएगा। क्योंकि दोनों के दोनों एक साथ एक टीम में परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, क्योंकि आग और पानी एक साथ नहीं रह सकते हैं, ये आपको पता है। तो ये होता है गाइस, आप लोग का सवाल यही रहता था कि राइटी बैट्समैन को कौन आउट करेगा वो मैंने बता दिया, लेफ्टी बैट्समैन को कौन आउट करेगा वो मैंने आपको बता दिया। अब एक और सवाल रहता है बॉलर इंफॉर्मेशन, कि बॉलर इंफॉर्मेशन कैसे पता करें वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो बॉलर इंफॉर्मेशन में आपको पहले सबसे बता दूं कि बॉलर किस किस टाइप के होते हैं, इसके बाद उसको कहां से पता करेंगे कैसे पता करेंगे ये बता देता हूं। देखो बॉलर एक होता है RAF, RAF कहने का मतलब है राइट आर्म फास्ट, यानी 140 की प्लस स्पीड से ये बॉलर बॉलिंग करते हैं, ठीक है। RAF का मतलब राइट आर्म फास्ट बॉलर हो गया। इसके बाद एक होता है राइट आर्म मीडियम, यानी RAM राइट आर्म मीडियम, मतलब ये मीडियम बॉलिंग करते हैं, ज्यादा फास्ट नहीं करते हैं। एक होता है RAFM, ठीक है। तो RAFM का मतलब हो गया राइट आर्म फास्ट मीडियम, मतलब कभी फास्ट फेंकेंगे कभी स्लो फेंकेंगे, तो राइट आर्म फास्ट मीडियम हो गया, ठीक है। एक ये टाइप का बॉलर होते हैं। इसके बाद होता है एक लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम, यानी LA लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम, LAFM, ये लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर होते हैं, ठीक है। इसके बाद होते हैं राइट हैंड ऑफ ब्रेक, यानी ROB, ROB का मतलब होता है राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर, जो कि लेफ्टी बैट्समैन को परेशान करते हैं। एक होता है LEG होता है, LEG कहने का मतलब होता है लेग ब्रेक स्पिनर, लेग ब्रेक स्पिनर होता है LEG कहने का मतलब। इसके बाद होता है एक LSC, यानी लेफ्ट आर्म चाइना मैन, लेफ्ट आर्म एक चाइना मैन बॉलर होता है जिसका LSC होता है। LAO यानी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ये बॉलर की क्वालिटी होता है कि कौन बॉलर किस प्रकार का। अब इसको कैसे पता करोगे? अभी आप ड्रीम इलेवन में टीम लगाने जाते हो, वहां पे प्लेयर का नाम दिया रहता है, उस प्लेयर के नाम पे क्लिक करोगे, उसका नाम के साथ लिखा आ जाएगा कि वो राइट आर्म फास्ट है कि राइट आर्म मीडियम है, कि राइट आर्म फास्ट मीडियम है, कि लेफ्ट आर्म फास्ट है, कि ऑफ ब्रेक है, कि स्पिनर है, कि लेफ्ट आर्म चाइना मैन है या लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, यहां से पता कर सकते हो। और दूसरा है क्रिक बज, क्रिक बज पे आप जाओगे, प्लेयर प्लेइंग 11 में आप क्लियर करोगे, स्क्वाड में जाओगे, और स्क्वाड में जाने के बाद प्लेयर के नाम पे क्लिक करोगे तो उसका प्रोफाइल खुलेगा। हर एक प्लेयर के प्रोफाइल में ये दिया रहता है कि वो फास्ट बॉलिंग करता है कि स्पिन बॉलिंग करता है, राइट हैंडर बैट्समैन है कि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, वो पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से जाके ये पता कर सकते हो कि कौन बॉलर राइट आर्म फास्ट बॉलर है, कौन बॉलर राइट आर्म मीडियम बॉलर है, कौन बॉलर राइट आर्म फास्ट मीडियम है, कौन लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम है, कौन राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलर है, कौन लेग ब्रेक स्पिन बॉलर है, कौन लेफ्ट आर्म चाइना मैन बॉलर है, कौन लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। ये सारा डाउट आपको मैं क्लियर कर दिया हूं। आप ड्रीम इलेवन में जाओगे, प्लेयर पे क्लिक करोगे, वहां पे भी ये सब कुछ मिल जाएगा। क्रिक बज में जाके प्लेयर का प्रोफाइल खोलोगे, वहां पे भी ये सब कुछ मिल जाएगा। तो यहां से आप पता कर सकते हो कि कौन किस क्वालिटी का या किस टाइप का बॉलर है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो। ऊपर मैंने बता दिया कि राइटी को लेग ब्रेक स्पिनर बॉलर परेशान करते हैं, 80% चांस है कि आउट करेगा, और लेफ्टी को राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलर परेशान करते हैं, 80% चांस है कि आउट करेगा। बाकी फास्ट बॉलर ऑलराउंडर होते हैं, वो किसी का भी विकेट चटका देते हैं और किसी का भी विकेट उड़ा देते हैं, ठीक है गाइस। तो ये हो गया बॉलर इंफॉर्मेशन, मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दिया। और लास्ट एक चीज बता देता हूं गाइस, अगर आप मेरा प्रेडिक्शन का वीडियो पाना चाहते हैं
तो हर एक मैच की मैं प्रेडिक्शन की वीडियो बताता हूं, उसमें सब कुछ बता देता हूं, ओपनर बॉलर डेथ के बॉलर कौन किसको कितना बार आउट किया है, हेड टू हेड का रिकॉर्ड, प्लेयर बैटल, लास्ट के पांच मैच का परफॉर्मेंस, ये सारा इंफॉर्मेशन एक फुल पैकेज चाहिए। अंसारी लॉस कवर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, अंसारी लॉस कवर चैनल फैमिली के साथ जुड़ जाइए और इसी सब्सक्राइब बटन के ऊपर आपको एक मोर का ऑप्शन मिलेगा। जैसे इस मोर का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वीडियो का डिस्क्रिप्शन खुलेगा, यहां पर हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, फर्स्ट कमेंट बॉक्स में हमने यहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा, यहां पर एक ज्वाइन बटन दिखेगा, जैसे इस ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे आप मेरा रियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर लाइनअप आने के बाद फ्री में स्मॉल लीग और ग्रांड लीग का टीम दिया जाता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।